प्रणाम पंडित जी। कल्याण हो, सुब्रमण्यम कहाँ है? उनको पुलिस ने किसी झूठे केस में फंसा दिया है। इंस्पेक्टर 60,000 रुपए मांग रहा है। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ, कागज निकालो, उस पे अपनी समस्या लिखकर पेड़ पे टांग दो। स्वामी मदद करेंगे, इस प्रकार तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आदरणीय कांता स्वामी, पुलिस ने पापा को पकड़ लिया है, छोड़ने के लिए 60,000 मांग रहे हैं। प्लीज मेरे पापा को छुड़वा दीजिए। वही बेवड़े जो कल पकड़े थे। बेवड़े की नहीं, औरत की खुशबू है। मेरा नाम महालक्ष्मी है। अच्छा है, दौलत की देवी मेरे द्वार पे आ गई। सुबह सुबह मेरे घर पे कोई ये रुपयों की थैली छोड़ गया। अंदाज सही निकला मेरा। तेरे सुबह सुबह चाय की जगह तुम पे हाथ साफ करना पड़ता है। जा अपने पति को घर लेके जा, बोला पी के हंगामा ना करे। मनी आए तो मनी आए, मनी 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 आए, मनी 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 रे। हाँ, मनी है तो अंधेरे में भी रोशनी है। वाह बढ़िया। थैंक्स स्वामी, आपको जितना चढ़ावा आता है उसका थोड़ा हिस्सा मुझे ट्रांसफर करने के लिए शुक्रिया स्वामी। बत्ती बंद सो जा। रक्षा करो स्वामी, रक्षा करो। जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। कांग्या रे, अबे कौन है तू? तेरी पक 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 आग से डर जाऊंगा क्या भाई? हट जा वरना गोली मार दूंगा। Ah!
छोड़े। बता उस गरीब औरत से पैसे क्यों लिए तूने? मुर्गी चोर नहीं हूँ, जो तेरी मुर्गी चुरा हूँ। तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है रे? अरे बाप रे, कैसे कैसे सपने आते हैं, बदन टूट रहा है। ये पैसे यहाँ कैसे? यानी वो सपना नहीं सच था? ये निशान, अरे बाप रे, जाता नहीं है। ये लो, स्वामी ने साहब के सपने में आकर इसे लौटाने को कहा। साहब के हाथ से लक्ष्मी लौट कर आई है, ये चमत्कार समझो। किसी और को मत बताना, समझी? पर साहब ने पैसे लौटा दिए, ये बात समझ में नहीं आई। धन्य हो स्वामी। मैंने तुम्हारे रिपोर्ट स्टडी की है, इट्स रियली शॉकिंग। गवर्नमेंट बैंक से 1,000 करोड़ रुपए का लोन लिया और उस कैश से दुनिया भर की ऐश की, फिर रातों रात कंपनी बंद करके सारा पैसा हड़प करने के बाद एक डकार तक नहीं मारी। सर्च वारंट इश्यू कर दिया है, यू कैन रेड हिम। बहुत बड़े आदमी पर हाथ डालने जा रहे हो, सुरेंद्र को टीम में रख लो। सीबीआई के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी घटना होगी कि एक साथ 200 जगह छापे पड़ेंगे, लेकिन इस बात की किसी को खबर तक नहीं होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट। टीम वन, डीएसपी मिस्टर मारियो, तुम्हारा रूट और डेस्टिनेशन इसमें सील्ड है, इस एनवेलप में। उस घर में 3 लोग मौजूद हैं, उनमें से एक ओल्ड लेडी है, उसे डिस्टर्ब मत करना। टीम टू, तुम्हारा टारगेट है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, वो तुम्हें धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। डरने की गलती मत करना। This man is still working for the government. मुझे शक है कि इसके घर में hidden rooms भी होंगे। इसके घर का चप्पा चप्पा छान मारो। Get up. You. Up. Mr. Ramchandra. Up. Good. टारगेट सही गैस किया पर एक मिस्टेक कर दी, सिग्नल जैमर को भूल गए। यू डिसअपॉइंटेड में मिस्टर रामचंद्र। आस्तीन में ही सांप हो तो क्या कर सकते हैं, तुमने डिपार्टमेंट को बदनाम किया है। सस्पेंड हिम। नो सर, खोटे सिक्के भी यूजफुल होते हैं। लेट्स गो। सीबीआई, दरवाजा खोलो। शॉप का परमिशन नहीं है। यह सरकारी काम है, हम इसे तोड़ भी सकते हैं। शौक से तोड़ो। आ!
एक सीबीआई वाले को रोक रहे हो? इन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, पावर इन्हीं के पास है। अब पधारिए। ये बात आप भी याद रखना। टेंशन हो रहा है? तुम्हें नहीं हो रहा है। मेरा काम टेंशन देना है। मेरा नाम है पीपीपी। पीपीपी यानी जो बच्चे करते हैं? परम पूज्य पुण्य स्वामी, नाम तो सुना होगा। हमारे पुराने जीएम और इंडस्ट्री सेक्रेटरी को मिलाकर 15 लोगों की एनसीबीआई रेड पड़ी है। मैसेज आया अभी। जरा अपने फोन्स दीजिए मुझे, इन्हें गाड़ी के ग्लव बॉक्स में रख दो। सर हमें कुछ भी नहीं मिला। एक जाम रेड पूरी होने तक बचा के रखना, टेंशन में काम आएगा। ये उनका पालतू कुत्ता है सर। तुझे मैं हर महीने टाइम पे हड्डी फेंकता हूं ना, तो टाइम पे क्यों नहीं भोका? ठीक 10:05 को आपको एसएमएस किया था, लेकिन सिग्नल जाम था। कितने भी कोशिश कर लेने दो, हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। सेकंड फ्लोर से लौट रहा है, यानी रेड कंप्लीट। इस डॉगी को यहां से हटाओ। मेरे कुत्ते के पास मत जाना, खबरदार उसे छुआ तो। मुझे उसके पास जाना है, उसे कुछ हुआ तो एनिमल राइट्स वालों को कंप्लेंट कर दूंगा। हट जाओ वहां से। मैं कहता हूं उसे हाथ मत लगाना, मैं आ रहा हूं। मेरा जजमेंट हमेशा सही होता है। मैजिक बॉक्स। सर हमें आपके यहाँ से 1 करोड़ रुपए मिले हैं। क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बैंक के लोन से आपने प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदी? आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? दिल्ली से फोन आया। सब अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। कौन बोल रही हो? तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। सीबीआई हो इसलिए नाम पूछ रहे हो? मैं डरने वाली नहीं हूँ। नाम बताओ। सुबलक्ष्मी, पीपीपी की डॉटर। गुड, नाम बताने की आदत डालो, इसे मैनर्स कहते हैं। अभी पापा से बात नहीं करवा सकता। मैसेज तो दे सकते हो? अगर देने लायक होगा तो दूंगा। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में मेरा डांस है, वेब पे लाइव टेलीकास्ट होगा, पापा को इन्फॉर्म कर दो। अभी शायद उनका मूड ठीक नहीं है। तुम्हारा मूड तो ठीक है, तुम देख लेना mycampus.com/5pm। होम मिनिस्टर के यहां से फोन था, रेड को यहीं टर्मिनेट करना होगा। देखना चाहता था कि बुझने से पहले दिया कितना फड़फड़ाता है। गो अहेड। पूरा मैनेजमेंट क्राइम कन्फेस कर चुके हैं, ये है डिटेल्स। एक मिनट। प्रिंसिपल सेक्रेटरी 3.5 करोड़, चीफ मिनिस्टर 5 करोड़, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड 4.5 करोड़। 1,000 करोड़ रुपए की लोन में से 248 करोड़ रुपए तुमने रिश्वत दी, बाकी 752 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट किए, देश में या परदेश में? सर, ये क्या हो गया आपको? सर, ये क्या ऑफिसर, हो गया? कॉल द एम्बुलेंस। उसकी जरूरत नहीं है, कल ऑडिटर के साथ आपके ऑफिस आएंगे। ओके, सारे डॉक्यूमेंट सीज करो, मूव इट। सब लोग चले गए क्या? स्वामी, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। कांता, स्वामी की वजह से आज मेरे पति सही सलामत घर पहुँचे। स्वामी किसी को निराश नहीं करते। वो देखो, उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी, सुबह 1,00,000 रुपए घर के बाहर रखे मिले। वो अपने बेटे की फीस नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी। अगले ही दिन एक अजनबी ने उनके बेटे की 5 साल की फीस जमा करा दी। मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा है। आस्था के नाम पे क्या तमाशा हो रहा है? चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, सारे शहर में अराजकता फैली हुई, जनता बेचैन है, प्रशासन चलाना मुश्किल हो गया है।
एरिया के इंस्पेक्टर को फोन लगाओ। जी सर। जी सर। ये अफवाहें कौन फैला रहा है? ये अफवाह नहीं है सर, इस मंदिर में सच में पावर है। क्यों नहीं है? और अब वो तुम्हारा ट्रांसफर भी करवाएगी, इडियट। नहीं सर। हेलो, इंटेलिजेंस की एक टीम तैयार करो, मैं लीड करूंगा। सर गोविंद स्वामी? हाँ, वो खुद अंधविश्वासी है। एक ऑफिसर है जो अपने काम का है। मारुति? हाँ, उसी को बुलाओ। तुम्हें यहाँ किसी खास काम के लिए बुलाया है। यस सर। कांता स्वामी के नाम पर लोगों को कौन लूट रहा है, जब तक हम उसका पता नहीं लगा लेते चैन से नहीं बैठेंगे। एम आई क्लियर? हे प्रभु, हे ईश्वर, हमेशा गर्दी रखना। मक्खी चूस मारवाड़ी सेठ से लोन लिया है और ये बाकड़ा लगाया, अगर धंधा नहीं हुआ तो खाखरा भी नहीं खा पाऊंगा और आपसे नाराज होके मुंह फुला के बैठ जाऊंगा, वो भी यहाँ नहीं आपकी दान पेटी के बाहर। मारी वार्निंग छे, ठीक है? नारियल ले लो, मलाई ने पानी वाला। जय हो, नारियल तो ताजा है ना। हाँ। आज मैं 3 नारियल फोड़ूंगा क्योंकि आज मेरी मन्नत पूरी हुई है। अरे हंस के रहा है, नारियल दे। हाँ। मैं ही ले लेता हूँ। बिना पैसे दिए मेरे नारियल फोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? पैसा निकाल। अरे भगवान के काम में कोई पैसा लगाए क्या? लेकिन मैं तो पैसा देकर लाया हूँ ना। हाँ तो पैसे क्यों दिया, लोन ले लेता। जॉक मारेगा ना तो नारियल फोड़ दूंगा, इधर उधर नहीं मार लेते। आया बड़ा भक्त कहेगा क्या आंखें? उसके भक्त को नाराज किया तो स्वामी भी नाराज हुआ, पैसे मांगेगा तो पाप लगेगा। आ तो गंडो छे, फ्री में नारियल ये फोड़ के गया और पाप मुझे लगेगा? लगता है आज धंधे में बोनी नहीं होनी। जय हो स्वामी की। स्वामी की जय हो। शक्ल से पवित्र लग रहे हो, 5 मिनट पहले आना चाहिए था ना। नारियल कैसे दिया? एकदम सस्ता, 25 नु 1। 4 रुपए दूंगा। इतने कम में बेचूंगा तो आपकी तरह मुझे भी टकला करवाना पड़ेगा ना। ठीक है, 20 दे दो। 5 दूंगा। अच्छा 15 दे दो। 6 दूंगा। 10 में मफत डिलीवरी, महंगा है। 6 ही दूंगा। अबे टकलू, भाव इतने धीरे धीरे बढ़ा रहा है जैसे तेरे सर के बाल हो। अपने बदन पे इतना चंदन चिपका के घूम रहा है जैसे चंदन के साबुन की फैक्ट्री खोली हो। चंदन के पैसे नहीं दिए क्या? ठीक है, ना तुम्हारा और ना ही मेरा। वाह सु वाह, 6 रुपए। अब तेरी साथ पूछते टकली पैदा हो। क्यों रे टकलू, बाल के साथ दिमाग भी गायब हो गया क्या? फोड़ दूंगा। नारियल को बम की तरह पकड़ा है। ए नीचे रख। अरे रुक रुक रुक, नारियल कहाँ लेके जा रहा है? इस नारियल पर मेरा नाम लिखा है। कहाँ लिखा है? दुनिया के सब गांडा भाई मेरी दुकान में आ रहे हैं। फोड़ दूंगा खोपड़ी के साथ नारियल। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ क्या? अब दिखाता हूँ उल्लू क्या कर सकता है। ये तुझे गाड़ दूंगा। ये क्या यार, ये नीचे वाले आदमी को चीखना चाहिए पर ये ऊपर वाला क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि आजकल पूरा सिस्टम उल्टा है। क्या क्या नीचे से चुपा रहा है, दर्द हो रहा है। मम्मी मरी गया, चल आज तुझे माफ किया। हाय, बड़ी मुश्किल से मोटे को गिराया था लेकिन दर्द मुझे हुआ। ये था दर्द का राज, इस छुरी से छेद कर रहा था। अच्छा हुआ तेरे पास बड़ी तलवार नहीं है क्योंकि इससे तूने इतने छेद किए कि मैं सांस कहाँ से लूँ। और खैर जाने दे, छेद छेद पे लिखा है छेद करने वाले का नाम। क्या यार, यही अपनी दोस्ती, यही अपना प्यार, मेरे 2 तेरे 4, ये तो है इमोशनल अत्याचार। अब तो जा यार, जाने जा, जा भाई। अगर आज के बाद नारियल बेचता नजर आया तो ट्यूब की तरह पंचर कर दूंगा। पंचर? अब तो ट्यूब ही बदलवानी पड़ेगी। तू जाना यार, जा पूजा कर, जाना यार, जाना। ए माँ, बवासीर हो जाएगा, साह पाइल्स क्लिनिक जाओ ऊपर से। डॉक्टर, चेक भी आपका है और साइन भी आपका है। ये कैसे हो सकता है, मैं तो 2 दिन से घर के बाहर ही नहीं निकला। सर किसी ने जब्त चेक बुक से चेक निकाल लिया,
आपके जाली सिग्नेचर किए। जब बैंक मैनेजर ने मेरे सीक्रेट नंबर पे फोन किया तो किसी ने मेरी आवाज में उससे बात की। जब जॉइंट डायरेक्टर से मैंने कंप्लेन की तो उसने बताया कि उनके रिकॉर्ड्स में उस चेकबुक का कोई जिक्र नहीं है। ये कैसे हो सकता है? किसका काम हो सकता है ये? आपकी बेटी आ रही है। बेटी के सामने इसकी क्या जरूरत है? सीबीआई की रेड का मेरे ऊपर क्या असर पड़ा ये तो उसे समझना ही पड़ेगा ना। क्या एक्टिंग है? बेटी कौन है वो? SP1 CBI इकोनॉमिक ऑफेंसेस। मेरे पापा की ऐसी हालत कैसे हो गई? मैं डॉक्टर हूँ। मुझे सीधा जवाब सुनने की आदत है। मैंने कुछ टेढ़ा कहा? जानते हो मैं कौन हूँ? PM हो क्या इस देश की? मेरे हर सवाल के बदले में एक और सवाल। जवाब नहीं है तुम्हारे पास, मुझे निकलवाने के लिए फोन कर रहे हो? मुझे चाय पीनी है। मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। इतना गुरूर किस बात का है? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। तो क्या कहूँ जिससे तुम्हें खुशी मिले? ओह, एक और सवाल। ये तुम्हारे पोस्ट का कसूर है। सपने में भी इंट्रोगेशन करते होगे। अब मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे पापा को झूठे केस में क्यों फंसाया? तुम सच्चाई जानती हो? मेरे साथ गेम मत खेलना। तुम्हें ये प्लेग्राउंड लगता है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा गेम ओवर अभी कर सकती हूँ। गो अहेड। मगर तुम्हें उधर देखो, तुमने अंदर जो भी ड्रामा किया, अपने कपड़े फाड़े, सब कैमरा में रिकॉर्डेड है। इसे अरेस्ट कर लो। स्माइल, गुड शॉट। बकवास एक्टिंग। समझ नहीं आता सर, अगर ये इंसान का काम है तो फिर ये ईश्वर की आड़ क्यों ले रहा है? अपने बुरे वक्त में कोई भी इंसान हमेशा सिर्फ भगवान से उम्मीद लगाए रखता है। आस्था से बढ़कर कुछ नहीं होता, खासकर जब इंसानियत से ही भरोसा उठ जाए। बेटी की ससुराल वालों ने उसे चेन ना मिलने पर घर से निकाल दिया। मैंने कांता स्वामी से प्रार्थना की और चेन मिल गई। जरा वो चेन मुझे दिखाएंगे? आप कौन हो? ये पुलिस वाले हैं। आप भगवान पर भी शक करोगे? मामला गड़बड़ हुआ, यहां से निकल चलते हैं। चेन नहीं चाहिए, सिर्फ फोटो लेनी है। लगता है भगवान ने सर्राफा बाजार में आके खुद सोना खरीदा है। आज सब सर्राफा बाजार जाएंगे, एक एक ज्वेलरी शॉप में पूछताछ करेंगे। यह भगवान का काम नहीं है, एक आम इंसान का काम है। सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं, या तो यह कोई बहुत बड़ा दानवीर कर्ण है, या फिर कोई चिंदी चोर। पैसा हो या फिर सोना, कोई ऐसे ही नहीं लुटाता है।
अगर आपको कोई समस्या है तो पुलिस के पास आइए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तू ही थोड़ी एक्टिंग सीख ले। उन्हें लगता है ये हमारा ही पैसा है। रेड मारने वाला सीबीआई ऑफिसर कांता स्वामी आईपीएस। यहाँ भी कांता स्वामी, मंदिर में भी कांता स्वामी, कुछ तो कनेक्शन जरूर है पापा। मैं इस कंट्री का नंबर वन किलर हूँ, मेरी प्लानिंग ही मेरी स्ट्रेंथ है। उसे मारना आसान नहीं होगा। एक संकी को हैंडल करना आसान है, पर शांत दिमाग को टैकल करना एक चैलेंज है। मुझे चैलेंज पसंद है। उड़ा दिया उसको। तुम्हें मारने के लिए हमें पीपीपी ने 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और मैंने पीपीपी से 30 लाख का एडवांस भी लिया था। यह नया एविडेंस देख के तुम्हारे पूरे शरीर में लकवा मार जाएगा, वक्त है सुधर जाओ। साफ दिल है, उस बात को भूल चुका हूँ मैं, अब तुमसे नाराज नहीं हूँ। देख के लगता तो नहीं, कहाँ तक तुम्हारा पीछा करूँ। हम्म?
ऑफिसर, कैसे हो? आज इस मंदिर में कैसे? सीबीआई का यहाँ क्या काम? ये मेरे कुल देवता है, इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन पाया हूँ। ओह, एग्जाम में पेपर तुमने सॉल्व किया या भगवान आकर तुम्हारी मदद कर गए? बाय सर। जानते हो आदमी कौन है? नहीं सर। सीबीआई ऑफिसर, ये भी कुछ मांगने आया है। पहली नजर में शुभ लक्ष्मी से प्यार हो गया, पर वो सिर्फ झगड़ थी। प्लीज हमें मिलवा दीजिए। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ कोई गेम खेल रहा हो। टोटली कंफ्यूज्ड हो गई होगी। मैं भी उसके साथ गेम खेल रही हूँ। मैं भी गेम खेल रहा हूँ। ये प्यार तो होके रहेगा, उस पेड़ पे लव लेटर जो बना है। विश्वास दिलाना जरूरी है। आज तक हमने लोगों के विश्वास को ही तो जिंदा रखा है। वो तुम्हारी पत्नी बनेगी और हमारी भाभी। पेड़ पर शादी का कार्ड बांध के आ गया है, अब तो होकर रहेगी। बैड, वेरी बैड। अबे उठ बे, चल उठ और निकल यहाँ से। छुटकू तू? छुटकू तेरी तो। मम्मी, तुझे पता है मैं कितने साल का हूँ? कितने वर्ष का है? अगले महीने दादा बनूंगा। दादा बनने की उम्र है? अभी भी बच्चा लग रहा है। निकालू क्या लंबी? मम्मी बचा। मेरे कन्ने चाकू है। चाकू हटाना। घोपू क्या? जो भी माल है जल्दी से निकाल। मिस्टर चोर, जानता है ना इससे क्या करते हैं? ये खेलने की चीज नहीं है। टच होते ही खून निकलता है। ए, ये आगे पीछे होके कबड्डी क्यों खेल रहा है बे? कबड्डी नहीं, वो कच्चे से गैस छोड़ रहा था। अच्छा, इसीलिए बदबूदार चक्कर है। शर्म नहीं आती? अगर जहरीली गैस से मैं मर जाता तो खर्चा कौन उठाता, तू या तेरा ताऊ? ये सब प्राकृतिक है, कभी बवंडर आता है कभी तूफान। अच्छा, तू देख दीवार की तरफ रहा है और बात मुझसे कर रहा है। बच्चन साहब नो फैन छे। सौ ग्राम नीचे आना, घर बिल्कुल खाली है। क्या कहा, खाली है? तो बोर्ड लगाना चाहिए कि ये भिखारी का घर है। जा जाके भीख मांग। मैंने इतनी लंबी रस्सी खरीदी और जान जोखिम में डालकर नीचे आया, पता है मेरा कितना खर्चा हुआ? अब इसकी भरपाई कौन करेगा? आज का दिन खराब निकला। मेरा हाथ जोर से पड़ा, लगा जैसे बच्चे ने मारा। मेरे छोटे साइज का मजाक उड़ा रहा है, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो तैयार हो जा। मार खा के कैसा लगा? फ्री में मेरी चंपी, मालिश, सब कुछ हो गया। लगता है मुझे फाइनल कॉल लेना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, चाकू टूट जाएगा, छोड़ रहे। मैंने नहीं, तकिया ने पकड़ा है। क्या बात कर रहा है? ऊपर वाले उठा ले। तैयारी के साथ आइए, आज कोई नया ड्रामा होगा। बिलीव नहीं करोगे, आज तुमसे जो मैं कहने आई हूँ, भगवान कांता स्वामी मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि एक सीबीआई ऑफिसर से मेरी शादी होने वाली है। मैं चाहूं या ना चाहूं, मेरे होने वाले पति तुम ही हो, तो मैं तो अब फंस गई ना। जितना हंसना है हंस लो, एक दिन खून के आंसू रुलाऊंगी। तुम्हारी स्माइल कितनी प्यारी है। तुम्हारे झूठ की तरह। Are you crazy? मेरा तो खून उबल रहा है। दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है प्यार करने के लिए। हे, मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो? आ गई ना अपनी औकात पे। मंदिर के पेड़ पर लव लेटर किसने बांधा, तुमने या मैंने? कौन सा मंदिर, कौन सा पेड़? तुम्हारी ये आदत देख के लड़कियां तुम पे लट्टू होती होंगी, खुद ही चेक कर लो। तुम्हारी ये राइटिंग है? तीर निशाने पे लगा है। अब तो कंफर्म हो गया कि तुम पागल हो। बेबी कंफ्यूज हो जाएगी बिकॉज 24 घंटे में इंक उड़ जाएगी।
माता स्वामी को प्रसाद मिल गया। अब तो मेरी बात समझ में आ गई। आई लव यू। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो कॉफी पीने चलो, लाइफ लॉन्ग नहीं भुला पाऊंगी। आपसे क्या छुपा है, पूरे शहर में विकास हो रहा है पर हमारी बस्ती वैसी की वैसी ही है। और कुछ नहीं तो सफाई करवा दें, पीने का पानी पहुंचवा दें, आप पर हमें पूरा विश्वास है। ये लेटर हमारी जगह सरकार को देना चाहिए था। ये काम सिर्फ सरकार ही नहीं, कोई अमीर भी कर सकता है। मिस्टर राजमोहन, हर कंट्री में बिजनेस होते हुए भी आप इंडिया का गर्व कहलाते हो। नहीं, इंडिया का नहीं, सिर्फ अपने राज्य का, उसी से मेरी पहचान है। आप वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन में से एक है, आपका सक्सेस मंत्र क्या है? सर, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हर सुबह बस से ऑफिस जाता हूँ अपने स्टाफ के साथ, समझ लीजिए यही मेरे सक्सेस का मंत्र है। आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। अगर बीवी का फोन आता है तो कहना कि साहब मीटिंग में बिजी हैं। चल ना बाहर आ। कहाँ? तू चल ना। लो खाओ, शर्माओ मत। ये है आरती, मेरे कॉलेज फ्रेंड, फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए शर्मा रही है। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। पूरे महीने का कितना कमा लेती है? अरे बैठ 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 बैठ, मेरे बारे में बताया नहीं इसे? प्लीज, घर वालों को पता चला तो अपनी जान दे देंगे। किसे लेकर आई है तू? कितनी नौटंकी कर रही है। ये ले, ये ले, पॉकेट मनी समझ के रख ले। पूरे 1,00,000 है, हर महीने कमा सकती है। अरे लेना ले। चल चल, आजा आजा, तू यहाँ बैठ। शाबाश। लगता है कोई क्रेन क्रॉस हो रही है। कौन है बेटू? हाँ कैसा? ए ड्राइवर, ए तू कहाँ चलिया? क्या है? कौन है तू? उल्टी गिनती आती है, 5, 4, 3, 2, 1। साई देव बस्ती को एडॉप्ट कर लो वरना। देखिए, मैं ईश्वर की बजाय साइंस का बिलीवर हूं, अगर कोई भगवान बता के मुझे डराए तो मैं कैसे यकीन कर लूं, बताइए। तुम्हारे जैसे इंसान की तलाश में था। ठीक ठीक बताओ तुमने क्या देखा? ये स्केच बनाया, बैठो। ओके, उसके दो बड़े बड़े पंख थे, आंखों पे मास्क था, सर पे मुर्गे की कलगी थी, समझ लीजिए कि वो ऐसे ही दिखता था। देखिए इसे गौर से देखिए। जब उसने आप पर हमला किया तो उसने आपसे क्या बोला? कुकड़ुकू बोला और एक बस्ती को एडॉप्ट करने की धमकी दी। हेलो सर, सीबीआई की रेट पड़ी सारे ऑफिसर्स में। खबर मुझे अभी भी खबर नहीं सर। आपके पास जितना भी पैसा है पिछले 10 सालों में फॉरेन में फ्रॉड करके कमाया गया है, सीबीआई ने अपने स्टेटमेंट में यही कहा है, क्या ये सही है? कौन से अखबार से हो? नई किरण। रेट पड़ी है इसका मतलब ये है कि कोई झूठी अफवाह फैला रहा है। मैं साई देव बस्ती को अडॉप्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ आपके सामने अनाउंस कर रहा हूँ। बजाय ये बहस करने कि मैं सही हूँ या वो सही है, एक नेक कार्य करना चाहूंगा। थैंक यू। That's all, excuses. एक नास्तिक होके एक नकली भगवान के आदेश को क्यों मान रहे हैं?
आप कांता स्वामी से डर गए, ये बात मीडिया में फैल जाएगी। एक ही पल में रेड की न्यूज दफन हो गई। सेठ राजमोहन ने हमारे गांव को गोद लेकर यहां विकास करने का निर्णय लिया है। अब थोड़े ही दिनों में यहां पर स्कूल और अस्पताल होंगे। मैंने कांता स्वामी को सिर्फ एक चिट्ठी लिखी और बस्ती की काया पलट हो गई। सफाई भी हो गई, पीने का पानी भी मिल गया। राजमोहन ही हमारे माई बाप है। सर, इस घटना के बाद हर अमीर आदमी एक गांव अडॉप्ट करना चाहता है, इसकी क्या वजह है? सभी धर्मों में कहा गया है दान देना पुण्य का काम होता है। हर अमीर एक गांव अडॉप्ट कर ले तो दुनिया में अमीरी गरीबी का भेदभाव खत्म हो जाएगा। एक एक करके इस बस्ती की सभी समस्याओं को दूर कर दूंगा, ये मेरा वादा है। आज तक जनता को इतना खुश देखा आपने? मुझे उस मुर्गे की तंदूरी बनानी है। चिट्ठी लिखने से इच्छा पूरी हो जाएगी। अपने दिल के अरमान लिख डाल उसमें। तू जैसी गोरी गर्लफ्रेंड चाहिए, कम भी होगी तो चलेगी। दिखने में परी जैसी होनी चाहिए। जब भी बीवी मायके जाए वो अपने घर पे आए और हमें मजे दिलाए, देखते हैं क्या होता है। ए, एड्रेस तो सही लिख दिया है ना? हाँ? पता चला पड़ोसी ने मजे ले लिए। ये धीरू भाई, धरती कम भाई, वो इसे पढ़ो। मुर्गे के रूप में प्रकट हुए कांता स्वामी, आ सोचो जो न्यूज है वही लिखा। कांता स्वामी धरती को विजिट कर रहे हैं। हाँ? वो भी मुर्गा बन के। उनका असली रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। अगर तुम मुर्गे के गेटअप में आओ और रात को चुपके से मंदिर में घुस जाओ तो सुबह के समय जब पुजारी मंदिर के मुख्य द्वार खोलेंगे तो सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में गिर जाएगी। हाँ तो? और ढेर सारा कैश, सोना, हीरे, जवाहरात चढ़ाएगी। आइडिया पक्का है। ओरिजिनल कौन सा मुर्गा या मैं? पता लगाना मुश्किल है। एकदम सुपर मुर्गा लग रहे हो। वो रहा मंदिर, याद है ना मैंने क्या सिखाया था? याद है ने? चलो हेलो हेलो। अरे धीरू भाई, रामलीला के रावण की तरह क्यों चल रहे हो? क्या कैट वॉक करूं? मुर्गा हो तो मुर्गे की तरह चलो। पीछे हटो, जगह दो ने। लो कैसा है? वॉक ओके है, अब जरा टॉक ठीक है? अभी डब करता हूँ। अरे सत्यानाश, ये कुत्ते की आवाज है। कुतरा ना आवाज है, क्या करूँ? हाँ आप चेक कर। अरे ये मिसेस मुर्गी की आवाज है। मादा मुर्गी, अब मुर्गी की आवाज कहाँ? सुबह मुर्गे की बांग नहीं सुनी कभी? सुबह जल्दी उठा ही नहीं हूँ। हाँ ये सुन टकले। वाह, अब लग रहे हो मुर्गा, परफेक्ट बांग है। इसने अपने जात वाले को पहचान से आ गई। बड़ा अच्छा शक्ल है। डरी हुई क्यों है? इतना बड़ा मुर्गा देखा, उसकी साइज तो देखो, डरेगी नहीं बेचारी। सही है, इसका मतलब मैं देसी मुर्गा लग रहा हूँ। पीछे हट। अरे अपनी मुर्गियाँ संभालो, मेरा मुर्गा दीवाना हुआ है। पुलिस इसको सचमुच का मुर्गा बना देगी। ये क्या, पुलिस आई और वो चला गया? जरूर उसने कोई ना कोई झोल किया होगा। उसे मुझे बुलाया सर। ए सयाने, हटा मास्क को। इसे हटाऊं क्या? हाँ। मास्क के पीछे के भगवान के दर्शन करना चाहते हो ने? ये लीजिए। क्या हुआ सर? तो तू है वो नकली भगवान जिसने धोबी की तरह पुलिस वाले को धोया? धोबी की माफक, मेरे पुरखों ने आज तक कभी कपड़े नहीं धोए, मैं आपको दूंगा। झूठ मत बोल। नहीं सर, आपने कभी अपने आप को आईने में देखा है? मोटे बैल लगते हो। मेरी तोंद का मजाक उड़ाता है। चल मेरे तोंद पे मार मार मार। जवानी में कुवारा ही मर जाऊंगा। चल मार के दिखा मुझे। मार उसे जैसे मुझे मारा था। चल मार। ये तो चुक। ऐसे नहीं, पाँच चार तीन दो एक, उंगलियां बंद करके बंद मुट्ठी लाख वाला पोज। मेरी मौत की उल्टी गिनती शुरू। बक बक बंद और बॉक्सिंग शुरू। उंगलियां बंद करूं? 3 2 1। याद आ गया तुझे? लाइट मुक्का या टाइट मुक्का? सुपर टाइट। एज यू विश। वाह, उतना ही सॉलिड है, उतना ही दर्द हुआ। चिटपट, मुझे मारता है, मुझे मारता है, पुलिस वाले को मारता है। मेरे छिले हुए मुर्गे, मुझे तानपुरे की तरह बजाते हुए जो गाया था वो गा। मारो और म्यूजिक का फ्यूजन, विविध भारती। ठीक है गाता हूँ, पहले याद तो कर लूँ। गाता हूँ गाता हूँ। ना मैं बहराऊ ना ही बेवकूफ, उस दिन जो गाना गाया था वो फिर से गा। चल गा। कोई और गाना था? हाँ वही गाना जो मुर्गा बन के गाया था। लगता है कोई। चल गा, शुरू हो जा कुकड़ू को, नहीं तो तेरी हड्डियां टूटना शुरू कर दूंगा। अभी फोड़ता हूँ लाले डंडा। नहीं फूटा, ये मुर्गा गिरी दिखाता हूँ। अभी तेरे पास फोड़ता हूँ। फोड़ता किधर है? ए पकड़ो उसे, ए पकड़ो, बच के चल रहा भाई, लेके आओ उसे इधर जल्दी। सुनो, एक अजीब सी डिमांड आई है, एक आदमी को दूध जैसी गोरी लड़की के साथ डांस करना है। इसे फाड़ के फेंक दे। संभाल कर रख इसे, उन्हें बताना होगा कि हमारी मदद का कोई नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। यह
यार कब आएगी? इतनी घाई मत कर, सुंदर लड़की ढूंढने में टाइम लगता है। ओवरलोड क्यों हो रहा है? ये आवाज कैसी है रे? ये तो रंग बिरंगी फूलझड़ी लगती है। पहले मैं चलेगा। नाम क्या है? जरा प्यार से पकड़ना, आ जा मेरे बाल में। बहुत जवानी फूट रही है। अरे कितनी मजबूत कलाई है तेरी। वाह मेरे फ्लाइंग जट्स। बाय। रुक, पकड़ पकड़। कहाँ जाएगी? तुमने गलत चिट्ठी लिखी। भगवान से मंगा नहीं लेना चाहिए था। डांस दिखा रही थी यार। अरे अब ये क्या करने वाली है? अरे किधर गए? कहाँ गए? स्वामी समझ गया, सिर्फ अच्छी बातें लिखेंगे, मन में कभी पाप नहीं आने देंगे, नहीं तो स्वामी देवी के रूप में प्रकट होके हमारी धुलाई कर देंगे। भैया मन का मैल साफ हो गया है, कल रात कांता स्वामी ने घर आके हम सबको सजा दी। यस, एक आदमी बता रहा था कि कांता स्वामी औरत के भेष में आया था। फोन रख। अरे तुम लेटर लिखो, एक गरीब आदमी को अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करनी है। अरे कोई भी फेक एड्रेस लिख दो। फेक एड्रेस नहीं सर, एक फेक फैमिली तैयार करते हैं। भगवान से झूठ बोलना पाप है। उनके घर में हिडन कैमरा लगाएंगे। वहाँ उस दीवार के पीछे कैमरा लगाओ, वो एरिया कवर करो। ये ख्याल रखना कि हमारे आदमी वहाँ मौजूद हो। हे कांता स्वामी, सबसे पहले पता लगाओ आखिर पेड़ से लेटर कौन लेके जाता है। हाय, नमस्ते। नमस्ते। प्लीज कीप दिस मनी टू मेक अ रोड। हमारा सपना आज पूरा हुआ, दो विदेशी आए और सड़क बनाने के लिए इतना पैसा दे गए। ये काम कांता स्वामी के अलावा और किसी का तो हो ही नहीं सकता, मुझे तो यही लगता है। सतयुग में असुरों का नाश करने के लिए ईश्वर अलग अलग अवतार लेते थे। आज सबसे बड़े असुर का नाम है गरीबी। तुमने जो कहा वो मैंने किया। तुम्हें मैं इन लोगों का दुख हरने वाला भगवान मानता हूँ। लोगों की खुशी, उनकी मुस्कान जब मैं देखता हूँ तो तुम्हारी सहायता करने का निर्णय हर तरह से उचित लगता है। लेकिन आज के बाद तुम तक चिट्ठी पहुंचाना मुश्किल होगा क्योंकि चारों तरफ पुलिस है। हमेशा की तरह सारी चिट्ठियां नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अब कांता स्वामी मेरी मदद करेंगे। पुजारी चिट्ठियां उतार रहा है। सर ऐसा ही मूर्ति पुजारी के पीछे जा रहे हैं। ओ
उस पुजारी पर पैनी नजर बनाए रखो। मैं सोच रहा हूं उस बूढ़े के घर से सिक्योरिटी हटा देते हैं सर। सर, हमारी लिखित चिट्ठी एक नोट के साथ वापस आ गई। लिखा है भगवान के साथ खिलवाड़ा मत करो। कहा था ना भगवान की परीक्षा मत लो, अब हो गई तसल्ली। सर, पुजारी ने चिट्ठियां पानी में फेंकी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हेलो, जिस कांता स्वामी भगवान को आप ढूंढ रहे हैं वो सीबीआई का कांता स्वामी आईपीएस है। कौन बोल रहा है? सुबलक्ष्मी। कहाँ हैं आप? वहीं रहिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ। आपके पास क्या सबूत है? यहाँ जो भी बोटिंग करने जाता है जनरली 2 घंटे में रिटर्न होता है, लेकिन कांता स्वामी को 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। 30 किलोमीटर के सराउंडिंग को चेक कीजिए, कुछ ना कुछ सस्पिशियस जरूर मिलेगा। कोई तो सीक्रेट रास्ता है यहाँ, एविडेंस ढूंढना आपका काम है। तुम यहाँ कब आए? मैं तो बस अभी आया। पागल है वो, डीआईजी के ऑफिस में फोन कर दिया। ये है मारुति, कांता स्वामी टीम का वजीर। तुम स्वामी जी के पीछे ही रहना और उन पर कड़ी नजर रखना, कोई भी गड़बड़ हो मुझे बताना। जाओ। उस दिन डीआईजी ने तुम्हें मंदिर में देख लिया था, तभी उन्हें शक हो गया था। अगर उन्होंने फोन उठा लिया होता तो हम फंस जाते। ये प्यार का नाटक बंद करो और उस लड़की से दूर रहो। मैं उसे हैंडल करना जानता हूँ। इन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, पावर इन्हीं के पास है। शुभलक्ष्मी कहाँ है? नाइस पोर्ट्रेट्स, बहुत इंटेंसली प्यार करती हो मुझसे। जब तक तुम्हें नहीं देख लेती दिल को सुकून नहीं मिलता। बड़ी तेज है ये छिपकली। जब तक मेरा ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक हमारे प्यार को जाहिर मत होने देना। यानी तीर निशाने पे लगा। गॉड से मैं प्रे करूंगी कि जल्दी तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए, तब तक इसे सीक्रेट रखूंगी। थैंक्स। मेरे रिटायर होने तक इंतजार करना होगा। बाय बेबी। मुझे सच सच बताइए, जो लेटर पानी में फेंक दिए गए थे वो आखिर कांता स्वामी के पास कैसे पहुंच गए? ये आप में से ही किसी का काम है। आपका? आपका? आपका तो नहीं, तो लेटर कौन लेके गया? कांता स्वामी। कौन से कांता स्वामी? वही जो इस मंदिर और हमारे हृदय में रहते हैं। अरे सुनो, इधर आओ। कोई शिकायत है तो एसपी या कलेक्टर के ऑफिस में कंप्लेन करो। यहाँ क्यों आए हो? एक बिल्डर ने मेरे खेत के चारों तरफ कब्जा कर लिया है, अब मेरे खेत खलिहान में हथियाना चाहता है, इसीलिए यहाँ आया हूँ। ये इधर लाओ। स्वामी अंतर्यामी है वो। हाँ। तुम्हारे दिल की बात वैसे ही समझ जाएंगे। हाँ। जब तुम्हारी मदद करने आए तब मुझे आके बताना, तब तक ये चिट्ठी मेरे पास रहेगी। ठीक है? जाओ इसे फाइल में रख दो, फिर देखते हैं। तब तक इस मंदिर के सारे पुजारियों पर नजर रखो। ओके सर। ओके। एक बात पूछूं मोटा भाई, रस्सी की बजाय तार से क्यों बांधा है मुझे? अगर पावर चालू हो गया ना तो बॉडी में भूकंप के झटके लगेंगे। ऐसे थोड़ी होता है, मैं सस्ता मोबाइल थोड़ी हूँ जो आप मुझे चार्ज कर रहे हैं। घर जाने दीजिए ना। क्या तुम वही आदमी हो जो मुर्गा बनकर शहर में आतंक फैलाता है? जवाब क्यों नहीं देते? अभी तो बोल रहे थे चुप रहो, अभी बोलने के लिए बोल रहे हैं। बोलूं या चुप रहूं? आप बोल सकते हो। सांभो सर, किसी उल्लू के पट्टे ने मुझे मुर्गा बनने का वाहियात आइडिया दिया। मुर्गे का ड्रेस सिलवाने के लिए अबुल हसन दर्जी के पास गया था और वहाँ पे भी उधारी चालू है। अगर सही जवाब नहीं दिया तो ऊपर खाता खुलवा दूंगा। सर, आपको जरूर कोई गलत फैमिली हो रही है। चाहो तो आप मुझे लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से चेक कर लो, मेरी पूरी बॉडी चेक कर लो, मुर्गे का एक लक्षण भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पैदा इसी गधेड़ा हूँ सर। लगता है तू ऐसे सच नहीं उगलेगा। सर, इस मासूम को परेशान मत करो, कांता स्वामी आपको छोड़ेगा नहीं। ले जाओ इसे।
ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? उसके हाथ में इतना लंबा क्या है? चुप कर गंदा आदमी। जल्दी से पानी चालू कर। अबे तूने ही अपने तालाब चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी ना? अरे उसे ढूंढते ढूंढते तो मैं पागल हो गया, मेरा डिमोशन हो गया, इंस्पेक्टर से सीधे हवलदार हो गया, यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब क्या किसी ने तेरा खेत चुरा लिया या पूरा का पूरा गांव चुरा लिया? मैंने मजाक किया था भाई, अभी कॉमेडी दिखाता हूँ, तालाब के साथ तुझे भी गायब कर देता हूँ। कहाँ चला गया? कहाँ गायब हो गया? कहाँ गया? पता नहीं। सर ये तो आराम से बैठ कर नहा रहा है। पब्लिक बाथरूम समझा? आखिरी बार 2012 में नहाया था। इतने गंदे हो गए। पानी का फोर्स डबल कर दो। सर ये तो सजा का मजा ले रहा है। पानी पानी। अरे यार बंद क्यों किया? पानी डालो। अभी तो पानी में मजा आना शुरू हुआ था। यहाँ रेन डांस करवाने बैठे हैं। मैं पानी में सुसु करने वाला था, पानी रोक दिया तो पता चल जाएगा ना। बाथरूम के साथ टॉयलेट भी बना दिया है सर। अरे यार ये कंट्रोल नहीं होता। पानी के बजाय इस गधे पर डंडे की बरसात करो। अब यहाँ कल शाम से थोड़ा दुख रहा है, इधर नाश्ते में ढोकला कम खाया क्या? जोर से मारने। बस 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 बदन पे पानी डाल, पानी डाल। के गोइंग बेबी। जाकू जी यम यम। ये आप क्यों कर रहे हैं? ये डंडा हटा। यहाँ सुसु क्यों किया? 6 साल पहले की बात है, पेट के अंदर पथरी का पहाड़ बन गया था। सारे डॉक्टर हकीमों ने कहा कि ये पहाड़ हम नहीं तोड़ पाएंगे। बंगाली चूरन भी खाया पर आज 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये डंडा इसने यहाँ दबाया और पथरी पिघल के सुसु में निकल गई। सर इसने पुलिस स्टेशन को सरकारी डिस्पेंसरी बना दिया है। इससे पहले कि मेरा बीपी बढ़े, एक सेकंड में दफा हो जा। पहले समझाया तो समझे नहीं, बोला था गलत फैमिली हो रही है। एक सेकंड, फिर से बीमार पड़ा तो इसी डिस्पेंसरी में आऊंगा। और हाँ पुलिस स्टेशन का हॉस्पिटल बनवा दो, ऊपर की कमाई भी हो जाएगी। जा रहा है कि लात मार के निकालो। ठीक है जाता हूं, कपड़े पहन लेता हूँ। जल्दी जल्दी गीले कपड़े घर जाके सुखा दूंगा। सॉरी जले हुए आलू। DIG ने इस लेटर को फाइल में लगाने के लिए कहा है। तुम कौन हो? आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। यहाँ किस लिए आए? मैंने आपकी प्रार्थना सुनी, कल सुबह 10 बजे आप अपनी जमीन बेच देना। कल तक तुम माँ कहा करते थे अपनी इस जमीन को, और आज इसी जमीन को बेचने जा रहे हो। कांता स्वामी ने सपने में मुझे इसे बेचने का आदेश दिया, इसीलिए मैंने हाँ भरी। बिल्डर को 10 बजे आने के लिए बोला है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। इस जमीन को खरीदने वाले बड़े सरकारी ऑफिसर्स हैं, साइन करने के लिए गांव के पटवारी भी आए हैं। यहाँ पे दस्तखत कीजिए। दस्तखत कर दूंगा, पहले पैसे तो दो। काफी है, अब जल्दी साइन कर, इससे पहले कि तेरा इरादा बदल जाए। कहीं इनकम टैक्स वाले तो नहीं है? ये पैसा मेरा नहीं है, कस्टमर्स का है, IAS IPS ऑफिसर्स का है। बेकार में पंगा मतलब मुझसे। एक काम करो, उनसे कहो कि मुझसे बात करें। तेरी इच्छा अभी पूरी कर देता हूँ। हेलो, एक CBI ऑफिसर बात करना चाहता है। तेरे दिमाग में अक्कल है कि नहीं? क्या तूने हम में से किसी का नाम तो नहीं बताया ना? नहीं सर। ये सब ब्लैक मनी है, उसके साथ हमारा नाम जुड़ गया ना तो हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा। CBI हम सबको जेल में डाल देगी। उठो वहाँ से। भागो। वो
वो भाग गया सर। एक मिनट इतरा, ये रख लो। ये किसी और का पैसा है, मैं नहीं रख सकता। किसी और का पैसा नहीं है, अगर होता तो इन पैसों को छोड़कर ऐसे ही भाग नहीं जाते वो लोग। इन पैसों पर आपका हक है। आप भगवान हैं, मेरी चिट्ठी पढ़कर कांता स्वामी ने इन्हें यहाँ भेजा होगा। जय कांता स्वामी। ये उन फॉरेनर्स के स्केच हैं जिन्होंने गांव वालों को सड़क बनाने के लिए पैसे दिए। स्टेट के सारे पुलिस स्टेशंस में ये स्केचेस फैक्स करवा दो। सारे होटल, सारे बीच रिसॉर्ट्स में जाके चेक करो। हाल ही में हुई रेड का और कांता स्वामी में क्या कनेक्शन है, हमें बता सकते हैं? उस किसान ने बताया, ना सिर्फ उसके खेत बच गए, साथ ही एजेंट के छोड़े पैसे भी मिले, और ये सब हो पाया भगवान कांता स्वामी की वजह से। ऐसे में अहम सवाल ये उठता है, सीबीआई की रेड एन वक्त पर ही क्यों पड़ी? कैमरामैन दयाल के साथ जितेंद्र रिपोर्टिंग फॉर सन टीवी। हम कहाँ जा रहे हैं सर? एक परम मित्र से मिलने सर, जिसकी सीबीआई में बहुत पहुँच है। ए, जदेक कौन आया है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाउ आर यू मैन? कम। कांता स्वामी का केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। यू मीन कांता स्वामी टेम्पल? मैंने सुना है। आई एम श्योर इट मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग। चैलेंजिंग है सर, आपसे कुछ डिटेल्स जानने के लिए यहाँ आया था। सीबीआई ने अपनी रेड शाम 10 बजे की, उन्हें पता कैसे चला कि डील 10 बजे होने वाली है? सिर्फ तुम्हारे पास ही इन्फॉर्मर नहीं है। जानते हो ना, सीबीआई से सब डरते हैं। मुझे फोन पे कहा, चाहे सारा पैसा डूब जाए, उनमें से किसी का भी नाम बाहर नहीं आना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सीनियर ऑफिसर्स रिश्वत में कमाया काला पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये खबर मिली थी। मैंने ही उन्हें ये रेड करने के ऑर्डर दिए थे सर, इसे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। सर एटलीस्ट मैं रेड करने वाले उन ऑफिसर्स का नाम जान सकता हूँ? उनकी लिस्ट तुम्हें दे सकता हूँ। उस बुड्ढे किसान की मन्नत पूरी हो गई, कांता स्वामी भगवान ने आके उसकी मदद की। आज रात को ठीक 10 बजे उस किसान के पूरे परिवार को जिंदा जला दो, देखते हैं भगवान उसे बचाने के लिए आता है या नहीं। अगर आया भी तो उसे भी देख लूंगा, आज अंत हो जाएगा कांता स्वामी का। कांता स्वामी आईपीएस। कौन हो तुम लोग? भगवान की कसम हमें नहीं पता, नहीं पता वो कौन था। मेरे परिवार को छोड़ दो। सीबीआई को किसने बुलाया था बे? मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। पेट्रोल डाल। नहीं, हमें छोड़ दो। पूरे परिवार को चला डालो, बुला अपने कांता स्वामी भगवान को, बहुत भरोसा है ना उस पर। तुम सब देखना, भक्त की पुकार पे कांता स्वामी जरूर आएंगे और तुम सब दुष्टों का नाश कर देंगे। ए, कहाँ है कांता स्वामी? हिम्मत है तो आ, इन्हें बचा के दिखा, चल लगा आग। जाके देखो कौन है।
अबे सुरेंद्र आराम से गिरा। सॉरी यार, सॉरी प्लीज। अरे क्या कर रहा है, इनको जल्दी मारना। जला दो इनको, उन्हें जलाने वाले हैं, जल्दी आओ। सुन लिया, जल्दी करो। रोल। को ठीक 10 बजे किसान को मार दिया जाएगा। ये SMS किसे भेजा तुमने? मैंने मैसेज नहीं किया। Hey man, you giving dollars to village people? गलती से तुमने मेरे फोन से मैसेज किया। बहुत बड़ी गलती की। Kanta Swami came in my dream, told to give money to villagers, poor people. अबे झूठ बोल रहा है। होटल मैनेजर ने मुझे बताया कि तू तो रूम का भाड़ा तक नहीं दे सकता है। वाह ऑफिसर, एक SMS का चार्ज है एक गोली। बता नहीं तो दूसरी गोली मारूंगा। मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ। प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज डोंट अरेस्ट मी, आई डोंट नो हु वाज ही। सब कुछ बता दूंगा। आई विल टेल एवरीथिंग। मैं अपनी कार में बैठा हूं सर। ओके सर, हम क्राइम ब्रांच से आए हैं। हमारे पास प्रूफ है कि तुम कांता स्वामी हो। अगर हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो इज्जत के साथ बाहर लेके जाएंगे, नहीं तो तुम खुद ही समझदार हो। कहीं मारुति तो नहीं पकड़ा गया? शुरू हो जाओ। मैं एक IPS ऑफिसर। तो क्या गवर्नमेंट से बड़े हो गए हो? DIG के आने से पहले सच बता दोगे तो IPS बनकर यहां से जाओगे। अब बताओ, तुम ही भगवान कांता स्वामी हो ना? नाम के अलावा मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं। Hold your breath. Relax. और शौक बढ़ाओ, और बढ़ाओ, तेज करो। पता चला है कि ये तुम्हारी लवा है। You're making a mistake. जानते हो ये कौन है? 24 रेप्स के आरोप हैं इस पर। यकीन मानिए, इस लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। Stop please. कन्फेस करो, तुम ही कांता स्वामी हो। मैं ही हूं कांता स्वामी। ठीक है, उसे बाहर निकालो। को
कुल मिलाकर हम 11 लोग हैं। सबने मिलकर IAS एग्जाम्स की तैयारी की। हम सब पार्ट टाइम जॉब करते थे। हे वन मोर पिज्जा मैन। क्या जानते हो किस पे हाथ उठाया है? इस स्टेट के सबसे अमीर आदमी है ये। और जानते हो इसने किस पे हाथ उठाया है? इस स्टेट के सबसे गरीब आदमी पर। दर्द बराबर होता है। चलो। इस देश को तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। नाम क्या है तुम्हारा? कांता स्वामी। कहाँ पर है तू? आपके घर के बाजू में। सीधा यू टर्न ले। रास्ते में पिज्जा डिलीवरी बॉयज दिखेंगे, उसमें से एक का नाम है कांता स्वामी। उसका बायां हाथ काट कर मेरे पास ले आ। 20 लाख दूंगा। यह कांता स्वामी कौन है? राजमोहन सर को जिस हाथ से मारा उसे काट और यहां से निकल। अच्छा होएगा कि यह काम तू खुद ही कर ले, क्योंकि मैं करेगा तो दोनों काट देगा। हथियार लोगों की जान नहीं लेता, लेकिन पैसा जरूर लेता है। इसकी गर्दन तो मैं यूं काट दूं, लेकिन मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। जो तुम कर रहे हो इसका उस हादसे से क्या लेना देना? इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं वो सिर्फ ब्लैक मनी की वजह से होते हैं। सारे फसाद की जड़ पैसा है। सभी इलीगल कामों की वजह भी यही है। पैशावृत्ति, चोर लुटेरे, नक्सलवादी, गवर्नमेंट को खरीदने वाले बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता लोग, गुंडे और बदमाश, इन सब का वजूद, इन सब के पास आने वाली वो बेईमानी की कमाई है। अगर उसके पास 20,000 ही होते तो हाथ काटने के 20 लाख कहां से देता? अगर कोई दिन के सिर्फ 100 रुपए ही कमाएगा तो 1 लाख में लड़की की इज्जत नहीं खरीद पाएगा। किसी अमीर के काले धन का एक बड़ा हिस्सा हजारों गरीबों में बांट देंगे तो इस देश की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही है इस कांता स्वामी की कहानी। भगवान का नाम क्यों इस्तेमाल किया तुमने? लोगों की मदद करने वाला खुद ब खुद भगवान बन जाता है, और जो ना करे तो वह इंसान नहीं। लोगों में भगवान की आस्था को मैंने अच्छी तरह समझा है। चल फट। डीआईजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ? कब से तुम्हारा कार में वेट कर रहा हूं। सर बस आ गया। कम कम
बीच से तुम्हें आने में 2 घंटे लग रहे हैं। सॉरी सर, ट्रैफिक। एक मिनट, तुम्हें पैसे देने वाले ने यही बुलाया था? सॉरी, वेयर डिड यू गेट द मनी? एट द एंट्रेंस ऑफ द सेम बिल्डिंग? हियर ओनली। आर यू श्योर? या, हियर। कहना पड़ेगा तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाउ ओल्ड वाज ही? एन ओल्ड मैन लाइक 50 इयर्स। 50 साल का आदमी। अपना समाज सेवा का नाटक चालू रख, पैसा लूट और गरीबों में बांट, लेकिन मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए। 50-50 मेरे साथ शेयर करने में तकलीफ होगी। डीआईजी साहब ऐसे ही किसी ठोस सबूत की तलाश में हैं। हेलो। हाँ, अरे अब मान भी जाओ, तुम्हें पता है लाखों गरीब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। कुछ ना देने से तो अच्छा है कि उन्हें 50% दे दो। सर ये मान गया है। तुम्हारे लिए तोहफा है। जानते हो ये कौन है? तुझे थप्पड़ मारने वाला कांता स्वामी है। तेरा बायां हाथ तो कट चुका था। मेरे बायां हाथ को मूली गाजर समझा है क्या? अंदर आ। इसे पहचानता है? ए, तेरा तो हाथ काट दिया था ना। अब हाथ नहीं काटूंगा, तेरी जान ही ले लूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं राजबंध, नहीं, ये मेरी सोने की मुर्गी है। अपनी 2 लाइफलाइन तू गवा चुका है, अब मेरी बारी है, तैयार हो जा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। मेरा काम होने दो, फिर मार के खा जाना। तुम वहां होती ना तो उसका चेहरा देखती, जब सच का पता चला ना तो शॉट। उस नकली रेपिस ने क्या क्या किया कुछ याद है? पहले टॉप फाड़ा, फिर यहाँ से खींचा, फिर मुझे पकड़ा, स्कर्ट को ऐसे खींचा, और उसके बाद तुम्हारे पापा ने तुमसे रेप की एक्टिंग करने जैसा घिनौना काम करवाया। कांता ने तुम्हें बचाने के लिए सच बोल दिया, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। I'm गणेश फ्रॉम इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो। एक रेड को लेकर हमें कंप्लेन मिली है। सीबीआई ने जो रेड की थी उसकी सीज की गई पूरी रकम सरकार तक नहीं पहुंच पाई है। कंप्लेन में आईपीएस स्वामी का नाम आया है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आपके यहाँ रेड उसी ने की थी ना? क्या आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत है? किसी के खिलाफ ज्यादा कंप्लेंट्स हो ना तो या तो वो ईमानदार है या बहुत बेईमान है। कांता स्वामी एक नेक इंसान है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए तो ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू। स्वामी जी, कोई आपके नाम का फायदा उठा रहा है और उसी वजह से मेरी फ्री में धुलाई हो गई। बदन का पुर्जा पुर्जा दुख रहा है, बदला लेकर रहूंगा। पुलिस बैठकर मक्खियां मारेंगी और मैं दिमाग इस्तेमाल करके उसे दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। स्वामी जी, अगर मैं आपकी इज्जत और मेरी बॉडी को नहीं बचा पाया तो मारू नाम धीरू भाई नारियल वालों ने। ए खजूर, अपनी दुकान बंद कर दी है, लेकिन ईमान तो खुला है ना, कभी आओ हवेली पे। बस पे कांता स्वामी का नाम, ऊपर वाले स्वामी ने मेरी सुन ली, हूँ हमारा कमाल दिखाड़ू। बस जा रही है। ए उबर उबर उबर, ये पागल है क्या? उस बस का पीछा करना है। कहाँ जा रही है? कंडक्टर से पूछ लेंगे। कितना पैसा देगा? पैसे और मेरे पास, इसे चुरन खिलाना पड़ेगा। तो मुझे जानता है क्या? मैं तेरा पड़ोसी हूँ क्या? डिटेक्टिव SI, मतलब इंस्पेक्टर। SI या इंस्पेक्टर? SI, दोनों में से कौन बड़ा है? पहले मैंने SI बोला ना, तो SI बड़ा हुआ ना। ऐसे कैसे मान लूं? इसको पुलिस गिरी दिखानी पड़ेगी। और कुछ पूछना है? पक्के पुलिस वाले हो? रिक्शा चालू कर। बैठो सर। मम्मी बच्ची क्यों सारू, क्यों मारू नहीं? ये तो असली वाला SI है। सलाम सर। ए चिलगोजे, तुझे कहीं देखा है रे? ए तेरी गाड़ी उल्टी जा रही है। बसंती, रुक, कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के? रुक रुक रुक। ए तू तो वही ऑटो चोर है रे। मैं तो फंस गया, ये तो वही पुलिस वाला जिसने मुझे मुर्गे के ड्रेस में पकड़ के धो डाला था। कहीं ऑटो वाला बता ना दे कि मैं ऐसा ही हूँ और फ्री में ऑटो में घूम रहा हूँ, फिर तो ये पुलिस वाला मेरा मीटर डाउन कर देगा।
मेरी तरफ देख रहा है। तेरा पैसेंजर चेहरा क्यों छुपा रहा है रे? जरा आई से बात कीजिए, वो आपसे भी बड़ा साहब है। साहब है? हाँ। जरा बुलाओ उन्हें। एसआई साहब जरा बाहर आइए ना। हेलो सर, ये आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अबे तू इसे बड़ा साहब बोल रहे है, चिलगोजे कहीं से? इज्जत से बात करो, वो एसआई है। अबे तू तो वही है ना जो मुर्गा बन के कुकड़ू कू करता हाँ, है। मैं वही हूँ। और आज ऐसा ही बन के लोगों को उल्लू बना रहा है। कोई कांता स्वामी का नाम लेके लोगों को उल्लू बना रहा है सर, इसलिए मैंने सोचा पुलिस वाला बन के उसे पकड़ लेता हूँ, देश का थोड़ा भला हो तू जाएगा। पकड़ेगा हाँ? तू हाँ? तेरी इतनी औकात बढ़ गई है, तू हम लोगों का काम करेगा? नहीं बिल्कुल नहीं। पुलिस में है? नहीं सर। सीआईडी में है? सरकार ने अभी तक मेरी पोस्टिंग का ऑर्डर ही नहीं निकाला है। ओ, तेरी अर्जी को पास करने के लिए मैं अर्जी डाल दूं? So nice of you। हाँ, तब मैं घर पे मूंगफली खाऊंगा, तू मेरे हिस्से का काम करना। मम्मी मेरी क्यों? मारो, मारो साहब, बहुत मारो, छोड़ना मत। इज्जत का सवाल है। इसमें भर्ती होने का फॉर्म भी भरा तो तुझे अंदर डाल दूंगा। चले गए यहाँ से, गाड़ी स्टार्ट कर रहे। अबे इधरा। हाँ सर। पहली बार में जवाब नहीं दे सकता क्या? इतनी धुलाई के बाद पूरे बॉडी का सिस्टम हिल जाता है ना, तो नॉर्मल होने में 5 दिन तो लगेंगे। चल जा। जय हिंद सर। सर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आपके पास है गाड़ी 4 पहिया, इस जरा घर तक छोड़ देंगे? नहीं नहीं सर, मारिए मत, आप बहुत अच्छा मारते हैं। पिछला वाला मारा अभी तक याद है सर, बहुत अच्छे है। सॉरी दोस्त, ये सब मेरी वजह से हुआ है। देखना यार, एक ना एक दिन ये लड़की हम सबको मरवाएगी। अरेस्ट होने से 50-50 डील बेटर है। वेलकम मिस्टर कांतास्वामी। जब रेड मारने के लिए आए थे तब सोचा था क्या कि एक दिन तुम मेरे पार्टनर बन जाओगे? बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला लिया है। उन गरीबों की भलाई के लिए अपना ईमान भुला दूंगा। एक अरबपति ढूंढा, उसको लूटने से हम दोनों का काम हो जाएगा। उसका सारा पैसा मेक्सिको में है। मुझे डिपार्टमेंट को बिना बताए जाना हो। ये तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मुझे आपके अकाउंट्स की डिटेल्स चाहिए होंगी। पैसा हाथ लगते ही डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। मेरे इंडिया लौटते ही मेरे 50% लौटा देना। ईमानदारी का कीड़ा तुम्हें फिर से नहीं काटेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? मैं इसके साथ जाऊंगी। खतरों से खेल सकोगी? मेरी बेटी तुम पर नजर रखेगी। काउंटर नंबर 7 पे जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा फटाफट। हैप्पी जर्नी। कुप्पू स्वामी। यस yes। मेक्सिको क्यों जा रहे हैं? बिजनेस। इलीगल कुछ मत करना। श्योर। नेक्स्ट। कांता स्वामी कुप्पू स्वामी बन गया, नकली पासपोर्ट पकड़ा नहीं गया? जब तक काम ना हो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। मैं फॉलो करने की खास वजह थी, तुमसे एक पर्सनल बात करनी थी। म्याँ।
मुझे बचाने के लिए तुमने अपना राज खोला। ऐसा नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो मैं यही करता। I'm sorry, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। सॉरी की आड़ में एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। I love you. वो तो तुम्हारी आंखें बता ही रही। लेकिन क्यों तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? उस दिन तुम घर आने वाले थे और मेरे पापा अपने सेक्रेटरी से नॉर्मल बात कर रहे थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ मुझसे भी एक्टिंग करेंगे। पैसा इंसान को क्या बना देता है। समझा क्या? सुबह लक्ष्मी है बेटी, अरे कितनी बार समझाना पड़ता है तेरे को है? पापा को स्ट्रोक आना सब एक झूठ था। जानता, राइट हैंड में जब लकवा मारता है तो मुंह के लेफ्ट साइड को असर होता है, पर उनका लकवा उल्टी तरफ है। उनके आगे हम दोनों अनजान बन के रहेंगे, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। उनकी वजह से मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। पुरानी बातें भुलाकर आज मुझसे 3 मैजिक वर्ड्स कह दो। प्लीज मान जाओ, गिव मी अ हग। हवा में आराम से सो जाओ, अब कोई खराटे नहीं मारेगा। आई गेस दैट कपल हैड अ गुड टाइम। Magical words. I love you. Hey, what's going on? I'm sorry. Passengers will be late. Welcome to Mexico. How are you? I'm fine. Welcome. Hello. I'm Mani. ये welcome music है, Indian music जैसा है। India से आए मेहमानों का welcome करने का ये Mani का style है। पापा कैसे? बढ़िया। आपकी security का जिम्मा उन्होंने मुझे दिया है। I'll take care. It's hot ना? हाँ, हम कार से क्यों नहीं जा रहे हैं? Actually, road travel is not safe. यहाँ किडनैप होना एक आम बात है। थोड़ी सी चूक होते ही आपको किडनैप कर लेंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। इंडिया में सबसे अमीर लोगों में से एक की बेटी हैं आप। किडनैपर्स की निगाहें होंगी आप पर। 10 करोड़ से डिमांड शुरू होगी और पता नहीं क्या क्या मांगे होंगी। इंडिया के ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस का फाइनेंस मैं ही मैनेज करता हूँ। इंडिया से पैसा यहाँ कैसे पहुँचता है? इट्स कॉम्प्लिकेटेड। लोग सोचते हैं कि पैसा यहाँ स्मगल होता है। बड़े बड़े ड्रग डीलर्स पाकिस्तान में बेस बनाकर चीप ड्रग्स खरीदते हैं, फिर इंडिया में स्मगल करके हाई रेट्स पर बेचते हैं, फिर हमारा लोन चुकाते हैं। इंटरेस्टिंग। अब ब्लैक मनी की बात करते हैं। इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और करप्ट पॉलिटिशियंस अपना ब्लैक मनी मेक्सिको भेजते हैं और उसके बाद उस ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम मैं करता हूँ। और ये सब हवाला के थ्रू होता है, राइट? यू आर करेक्ट। मेक्सिको से पैसा पहुंचता है मॉरिशस और साइप्रस। अब ये इलीगल मनी FDI के फॉर्म में इंडिया के स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट कंपनीज और MNC में इन्वेस्ट किया जाता है। पैसा हो जाता है वाइट। इन ज्यादातर कंपनीज के बेमानी मालिक पॉलिटिशियंस और बड़े बिजनेसमैन होते हैं। सर, आप कितना डिपॉजिट करवाएंगे? 100 करोड़। ये मेरे रिलेटिव है और मिनिस्टर की बिजनेस पार्टनर।
मैंने ऑफिस की मेल पर तुम्हें एक फोटो भेजा है। उस फोटो को क्रिमिनल लिस्ट के साथ मैच करो और उसकी पूरी डिटेल्स मुझे बताओ। यहाँ एक छोटा सा काम है। आज आप रेस्ट कीजिए, कल आपको बैंक ले जाऊंगा। हेलो। हेलो। बिना सिक्योरिटी के कहीं मत निकलिएगा। कम इन। उस बिल्डिंग में कुल मिलाकर 24 गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं सर। वहां काम करने वाले 50 साल से ऊपर के सभी इंप्लॉयज की डिटेल्स मंगाई है मैंने। वो आदमी 30 साल का क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि उसने मेकअप करके खुद को 50 साल का बना लिया हो। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हो ना हो कांता स्वामी हमें उसी बिल्डिंग में मिलेगा। आईपीएस कांता स्वामी? करेक्ट। कैसे गेस किया? आप ही तो कहते हैं सर कि वो सीबीआई ऑफिसर ऐसे ही कहीं भी मिल जाता है। बस ऐसे ही गेस किया। गुड सर, हमारी टीम ने 50 की उम्र के लोगों के कई स्केच बनाए लेकिन वो अंग्रेज आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। इश। ओ। देमन, देमन। मनी डिपॉजिट करना यहाँ काफी इजी है लेकिन विड्रॉ करना बहुत मुश्किल। टाइम पर सीक्रेट सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो अकाउंट लॉक हो जाएगा। इसी रीजन के चलते आज यहाँ करोड़ों रुपए हमेशा के लिए फंस चुके हैं। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। ही हैज एक्चुअली कम टू डिपॉजिट हिज मनी। आपके नाम पे अकाउंट खुलवा देते हैं। नो 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 नो, आईडी नॉट रिक्वायर्ड। आई डोंट वांट टू सी योर आईडी, आई जस्ट वांट मनी। इसे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, इसे सिर्फ मनी चाहिए। सर मिस्टर, प्लीज साइन हियर। सिर्फ अपना मोबाइल नंबर लिखो, बाकी मैं देख लूंगा। डू यू नो इंडियंस आर वेरी रेगुलर इन माय बैंक। इंडिया का आधा काला धन तो लगता है इसी बैंक में जमा है। बैंक के डिटेल्स भेजें, फोटो भेजो, मुझे तुम सिर्फ 24 घंटे का टाइम दो। फ्रीज। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से है। हिलना मत। डोंट मूव। जहां खड़े हैं वो जगह चेक करनी है। मूव। Thank you.
इन ड्रग्स की कीमत 300 करोड़ है, सब रख सकते हो। हमें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारे मैक्सिको के पार्टनर सर्जियो से हेल्प चाहिए, उसे फोन लगाओ। सर्जियो के इंडियन पार्टनर को हमने अरेस्ट कर लिया। काम। I'm still waiting for your consignment. When is it expected? Okay, I'll talk to you later. Hala. By the way, Mr. Sergio, your Indian partner sent me. Aha. Papa's off your visit. All right. Your partner told me that you will help me out. थैंक यू सो मच। जितने डॉलर चाहिए मांग लो, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। हम लोगों ने यहाँ पर उनके नस दबा रखी है। PPP will be happy. Oh really? पैसा डिपॉजिट हो चुका है, पासवर्ड टाइप करके चेक कर लो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पापा को पैसों की भूख है। चेक करो और पापा को बता दो। अच्छा ठीक है, उस तरफ देखो। पासवर्ड खुल जा सिमसिम। मैं पापा को फोन करती हूँ। आई विल बी एट द स्विमिंग पूल, प्लीज कम सून, बाय। कांता सक्सेसफुल हुआ, उसने कर दिखाया। राजमान, मुझे पैसा मिल गया, अब उसे मार सकते हो। मेक्सिको में है, नकली पासपोर्ट पे गया, लाश को भी कोई नहीं पहचानेगा। कांता, मेक्सिको आकर भी प्यार से तुम इतने दूर हो, यहाँ सब प्यार में डूबे हैं। ओ डफर, इतनी सुंदर लड़की तुझे बुला रही है और तुम हो कि लैपटॉप पर हो। ऑफिस में अपना इंडियन जाली लोकेशन बता रहा हूँ, कुछ सेकंड्स का खेल है, बस कुछ ही सेकंड्स में पूरी पासी पलट जाएगी। क्विक क्विक। क्या सुबह पीपीपी की थर्ड वाइफ की डॉटर है? यस सुनो। 45 सेकंड्स बचे हैं। शुभलक्ष्मी, हमारा लव वर्कआउट करेगा? मैं अपनी फैमिली की इकलौती आयरन गर्ल हूँ, तुम्हारे लिए पिघल गई, अब और क्या चाहिए? एक थर्ड वाइफ की डॉटर ठीक ऐसे ही बिहेव करेगी। तुम्हें ये सीक्रेट कैसे पता चला, जरा बताओ तो। CBI। शुभलक्ष्मी के जन्म के समय क्या पीपीपी साउथ अमेरिका में था? यस सर। CBI में हो तो सब जान लोगे। यू ही समझो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बर्थ के समय क्या तुम्हारे पापा साउथ अमेरिका में थे? नो। मात खा गए CBI ऑफिसर। ही वाज इन कनाडा। थैंक यू बेबी। क्या बैंक डेटा में पीपीपी का बर्थ डेट गलत है? तुम्हारी मॉम का नाम? दिस इज रिडिकुलस। हे, उसके बाद मेरे पापा का बर्थ डेट पूछोगे? रोमांस के बजाय क्विज कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, एकदम यूजलेस। गलत जवाब दिया तो लॉक हो जाएगा, ये तो मरवा के रहेगी। पीपीपी का ऑफिशियल डेट फेक है, हो सकता है वो ब्लफ करे या नहीं भी। यस नो।
शायद इसमें भी कोई लॉजिक। यस नो, यस नो, जल्दी सोचो। यस नो, यस नो। कांता स्वामी, 2 lakh people, 600 crores। Come on, quick, 2 lakh people. Come on, quick. Please be correct. उठ बे, सुनामी आई। दिन में सो रहा है गधे। अमीर कांता स्वामी से डरते हैं, उनका नाम लेकर खूब नोट छाप सकते हैं। मेरे पास एक करोड़पति राइस मिल ओनर रंगा का नंबर है। सच में? सुना है वो एक नंबर का डरपोक और फट्टू है। उसका नंबर खड़का 20-25 करोड़ का चिल्लर यूं ही फेंक देगा। पैसा कमाना इतना आसान है पता नहीं था। नंबर दिखा, नंबर दिखा। झूठ बोल रहा है, सच बोलवा उससे। ओके सर। हेलो, करोड़पति राइस मिल का मालिक रंगा बोल रहा है। सॉरी सर। कौन बोल रहे हैं सर? भगवान की आवाज नहीं पहचानी? मैं भगवान का भगवान कांता स्वामी बोल रहा हूँ। अरे चुप धीरू भाई। गलियों वाले बोल रहा हूँ ना, उस दिन पानी के बाहर धार निकल गई थी ना। आप कोई महान ज्योतिष बोल रहे हैं? मैं DIG परमानंद बोल रहा हूँ। DIG बोल रहे हैं? सॉरी सर, मैं चेक कर रहा था कि आप अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, बस और कुछ नहीं। तू मुझे चेक करेगा? नहीं सर, पुलिस फोर्स भेजता हूँ। कौन आ रहा है, किधर है? नाम मारूंगा अपना, नाम भूल जाएगा। मैं हर बार राउंड नंबर ही क्यों लग जाता है। सुन मणि। हाँ बोलिए सर। PPP की बेटी के साथ जो गेस्ट है वो एक CBI ऑफिसर है। उसके आने की वजह है हमारे खिलाफ सबूत ढूंढना। उसे दफनाने से पहले उसकी बॉडी का लेफ्ट हैंड जरूर काटना। उसे काट के मेरे पास भेज दे। And who are you to stop us? It's my restaurant. I will call the police. Get up. Kya? Chalte hain. Kyun? Chalo. Faster!
Come on, out, go. नहीं, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे. Man. Uncle, what are you doing? Shut up. Uncle, छोड़ो. Shut up. Don't ex man. Uncle, आप छोड़ दीजिए. वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी. हम यहाँ illegal visitors हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. पुलिस के पास नहीं जा सकते. कांता स्वामी आईपीएस, तुम्हें टपकाने के लिए 3 million US dollars मिले हैं. गुड बाय मिस्टर स्वामी जी. तुमने अपने सीबीआई होने की पहचान छुपाई. अब तुम लावारिस मौत मरोगे. अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि ये इलाका मेरा है. मरने से पहले बता दे हमारे कौन कौन से सीक्रेट्स जानता है. तेरी ये खामोशी तेरे काम नहीं आएगी. हमारे सारे राज तेरे साथ ही दफन हो जाएंगे. कोई आखिरी विश हो तो बता. इंडिया का पैसा इंडिया ले जाना. तुझे लगता नहीं कि कुछ ज्यादा ही मांग रहा है? कुछ ही देर में टपक जाएगा, लेकिन अकड़ अभी गई नहीं. God, he's coming toward us! Oh, oh.
मैं हूँ गणेश। मणि का पूरा कच्चा चिट्ठा इस सीडी में कैद है। साथ में बैंक के ऑपरेशंस की डिटेल्स भी। 24 घंटे सर्वेलेंस रखो उस पर। मिस्टर मैक्सिकन मणि, अगर सच नहीं बोला तो तेरे ही इलाके में तेरी कब्र खोद दूंगा। कौन कौन से इंडियन का पैसा यहां जमा है बता। तुम्हें वहां कोई तकलीफ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों लौट रहे हैं, रात के 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। कौन है? पापा हैं। अरे लाओ लाओ। हेलो पीपीपी साहब, आई मीन अंकल, कैसे हैं आप? अरे इस कांता स्वामी को तो अब तक मर जाना चाहिए था। मणि को फोन लगा, मेरी बात करवाओ उसे। फोन स्विच ऑफ है सर। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। सीबीआई डायरेक्टर को फोन लगा। हेलो। नमस्ते सर। इतनी रात को कॉल करने की वजह? कांता स्वामी इस वक्त कहाँ मिलेंगे पता है? वो छुट्टी पर है। ओहो, बिना गवर्नमेंट को बताए गवर्नमेंट ऑफिसर फॉरेन को जाए तो क्या पनिशमेंट है? वो अरेस्ट हो सकता है। तो उसे अरेस्ट कर लो। वो कुपुर स्वामी के नाम से मेक्सिको गया है। आज रात को उसकी फ्लाइट इंडिया लैंड करेगी। फ्लाइट नंबर 542, रात को 10:30 अराइवल। वेलकम सर। थैंक्स। पापा? सर सर सर, डोंट किल मी, मैं सब कुछ बता दूंगा। एक रिच बिजनेसमैन के भेस में मैं मेक्सिको गया टू इन्वेस्टिगेट द मोडस ऑपरेंडी ऑफ ड्रग्स एंड ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस। ये रहे उसके डिटेल्स। और एक या दो नहीं, इंडिया के 30,000 करोड़ वहां की बैंकों में जमा है और उस सारे काले धन को सीबीआई ने सीज कर लिया है। इतना पैसा तो अभी सिर्फ मेक्सिको में था, और भी कंट्रीज में ऐसे डिस्प्यूटेड बैंक्स हैं जहां पर करोड़ों अरबों का काला धन जमा है। इस देश में लोग दिन रात मेहनत करके जीवन गुजारते हैं, लेकिन चंद लोग स्कैम्स करके पब्लिक का पैसा लूटकर ओवरसीज में इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। यह नेटवर्क बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट एजेंसीज और ऑफिसर्स तबके के लोग बहुत जल्द जेल में होंगे। उसे अरेस्ट करने के बजाय पुलिस तमाशा देख रही है। दिल्ली हेडक्वार्टर से परमिशन लेकर वो मेक्सिको गया था। अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो तो मुझे फोन करना। इस स्कैम के पीछे किन लोगों का हाथ है? इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। किसी कंक्लूजन पर पहुंचते ही बड़े बड़े इज्जतदार लोग दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। अंदर जाओ। हमें थोड़ा सा वक्त और दीजिए, सच सबके सामने आए। जिसे भी उसका हाथ काटने के लिए भेजा एक के बाद एक वो दुनिया से ही कट लिया। क्या आप बता सकते हैं पैसों का क्या होगा? सीबीआई के पास पैसे सीज करने का अधिकार है, उसे लोगों में बांटने का नहीं। लैपटॉप दे मेरा। I don't know, ये कैसे हो गया? सर, सर। Thank you. That's all for now. चल फट। फूट यहां से। मैं बोलता हूं लिखता जा। तुम्हारा दोस्त रातों रात सुपरस्टार बनने वाला है। अपनी हर जरूरत जैसे कि शादी, बीमारी, मुंडन, तलाक के लिए लोग स्वामी से मदद मांगते हैं। तुम जानते हो मैं क्या मांगने वाला हूँ? कांता स्वामी, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि आप मुझसे मिलने आओ। जग्या मारी हसे। वक्त भी मेरा होगा ताकि आप टाइम पे आओ, और फिर हम बैठेंगे दो पुराने यार, और वहाँ हर एंगल में लगे होंगे सीसीटीवी कैमरा ताकि वहाँ का लाइव टेलीकास्ट हो पाए, वो भी 3D में। टेलीकास्ट राइट्स मेरे पास होंगे। फिर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और प्रेसिडेंट बन जाऊंगा अमेरिका का। टकले आप लिख कि मैं पहले लिख चुका हूँ। लिख ली तू? है तू बहुत फास्ट है यार।
आज से तेरा नाम है बुलेट ट्रेन। जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तू ही बनेगा मेरा टाइपराइटर। सही है, सही है। भगवान ने गिरा है। अब तुझे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। सही है, दोनों चलेंगे यूएसए। तेरे मुंह में घी शक्कर। ला लेटर दे, लेटर दे, पोस्ट करके आता हूं। जल्दी जा। अमेरिका के प्रेसिडेंट की कसम, अगर मैंने उसकी सीसीटीवी कैमरे से फिल्म नहीं बनाई तो मारू नाम धीरू भाई नारियल वाला नहीं। अबे नारियल की दुकान तो तूने बेच दी है। आकाशवाणी की तरह धमकी क्या दे रहा है? Hey, कान खोल कर सुन ले, अगर जिगर कले जाए तो सामने वरना नारियल की तरह पानी निकाल दूंगा। आया बड़ा। आजा, भगवान को लेटर भेज दिया। भेज दिया। ये टकले, मैंने जो बोला सब लिखा, कुछ छूटा नहीं ना? धीरू भाई मुझ पे शक मत करना। एक एक बात लिखी है। तुम व्यास ऋषि की तरह बोल रहे थे, मैं गणेश जी की तरह लिख रहा था। पूरी महाभारत लिख डाली तुमने। बीच में खांस छींक दिया होगा तो वो भी लिख दिया होगा। ए से लेके बी तक, आ से लेके ज्ञान तक सब छाप डाला। उस वक्त जो बोल रहा था वही सब लिख लिया। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा और लाइव टेलीकास्ट करवाऊंगा, प्रेसिडेंट भी बनूंगा, ये सब भी लिखा। मैंने वो सब छाप डाला जो तुम्हारे दिल से निकला। तुझे पता है तूने क्या किया है? मुझे वो लेटर लेने जाना पड़ेगा। या तो इतनी सारी भीड़ है, लॉटे सेल है, जापान भी फेल है, इसमें मेरा लेटर कहाँ होगा? पिछली बार किसी ने लेटर में लड़की भेजो लिखा था तो उसकी जम के धुलाई हुई थी, और मैंने तो सीसीटीवी वाली बात लिखी है। मेरी तो एबीसीडी निकाल देगा वो। किधर है लेटर? किधर है? हेलो लेटर, किधर है? चिट्ठियां क्यों निकाल रहा है? निकालता नहीं है, बांधता हूँ। बांधता हूँ। बांध दिया ना? चल जा यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। चल निकल अब। लेकिन ठीक है, जाता हूँ। आजकल तो सिक्योरिटी गार्ड भी मुझे पुलिस वाला नजर आता है। जिंदगी खराब हो गई है मेरी। तुम उसे प्यार के जाल में फंसाने वाली थी लेकिन खुद ही उसके जाल में फंस गई। तुम्हारी मदद के बिना उसे पासवर्ड पता नहीं चल सकता था। आई डोंट नो ये सब कैसे हुआ। पापा, इसने मुझे थप्पड़ मारा। खुद नहीं मार सकते इसलिए मुझे मारने को कहा है। यहाँ लगभग 2000 बैग्स हैं। अब तक की लिखी सारी चिट्ठियां यहाँ मौजूद हैं। सिर्फ एक अमीर के अकाउंट से इतने लोगों का भला हो सकता है। अगर हम पूरा काला धन इंडिया वापस ला पाए तो लाखों लोगों की तकलीफें दूर हो सकती है। मैं सब सच बताऊंगी। मैं कांता स्वामी से प्यार करने लगी हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। जो करना है कर लो। 2 दिन के अंदर ये जगह खाली कर दो। राजमोहन के पैसे रखने के लिए इससे बड़ी जगह चाहिए। ठीक है, बहुत काम करना है। आपके साथ इंडिया में कौन कौन लोग जुड़े हैं वो बताइए। उस मणि को डरा धमका के उसका स्टेटमेंट बदलवा के अगले 15-16 सालों तक केस खिंचवा देंगे और एविडेंस ना मिलने पर केस खारिज करवा देंगे। पैसों में बड़ी ताकत होती है, क्यों राजमोहन जी? प्रेस में मेरा नाम नहीं लिया, बहुत स्मार्ट है। अपनी कीमत बोल, जो तेरे दिल में आए। कीमत बस इतनी कि एक परिवार की कई पीढ़ियां अच्छी लाइफ गुजार सके। अच्छे से मेरा मतलब है 5-स्टार वाली लाइफ एंजॉय कर सके। 500 करोड़ काफी है? उसे अच्छी लाइफ चाहिए तो 1000 करोड़ ले ले। 2000 करोड़ खुद रख लो, बाकी मुझे दे दो। अच्छा मजाक कर लेते हो, इनके पास जितना पैसा वो देख के आंखें फट जाएंगी। सच कहूं तो मनी की इतनी भी कीमत नहीं है। विदेशी बैंक में पैसा इसलिए रखता हूं क्योंकि इतना खर्च नहीं कर सकता। इतने पैसों से क्या करेगा तू? पूरी दुनिया में गरीबी रेखा से नीचे आने वाली आबादी का एक तिहाई हिस्सा भारत में बसता है। ये वो लोग हैं जो एक दिन में 30 रुपए तक भी नहीं कमा पाते, उसी से अपने पूरे परिवार का पेट पालते हैं। ना इनके पास रहने को घर है, ना खाने को रोटी, ना ही पीने को पानी। जानवरों से बदतर हालात में सड़कों पर रहते हैं। गरीबी के दुष्चक्र में फंसे इनके बच्चे डस्टबिन में से हमारा फेंका हुआ खाना निकालकर अपना पेट भरते हैं, गटर के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। शोषण के शिकार इन गरीबों का जीवन भुखमरी और बीमारी से जूझते हुए ही खप जाता है। इन गरीबों में बराबर बराबर मैं बांट दूंगा। तुझे शायद ही अफ्रीका लग रहा होगा लेकिन ये तेरे ही देश के सिटीजन हैं। फ्रॉड करके जो तूने करोड़ों कमाए वो इन्हीं गरीब लोगों के हैं। अब लौटाने का वक्त आ गया है।
इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। बैंक में पैसा रखने का क्या फायदा जबकि लाखों गरीब भूखे सोते हैं। कभी इस खिड़की से झांक कर देखने की जहमत उठाई है कि कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं? इसीलिए तुझ जैसे अमीरों से छीनकर इन गरीबों में बांटने की जहमत मुझे उठानी पड़ती है। थैंक्स। तुझे ईमानदारी के कीड़े ने काटा। 10,000 रुपए में ऑफिसर बिकता है, 10 लाख में नेता बिकता है और 1 करोड़ में किसी को भी खरीद सकता हूं मैं उन्हीं करोड़ों को लेने आया हूं। एक सपना समझ के भूल जा। तू सरकार का मुलाजिम है लेकिन सरकार मेरे इशारे पर चलती है और हम सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। कल सुबह तक जान जाएगा। सुबह तक की मोहलत देता हूं तुझे। हां मैं जवाब नहीं मिला तो पूरी मीडिया के सामने नंगा कर दूंगा तुझे। उस वक्त तेरे चेहरे की हवाइयां उड़ते देखूंगा। कम ऑन, बी रेडी। आराम से, इतनी जल्दी मत कर। क्या कर रहा है यार, थोड़ा टाइम तो दे सोचने का। कल तक की गारंटी देता हूं, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यस, आजाद हूं मैं। मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, एविडेंस के साथ राजमोहन को अरेस्ट करूंगा। जागो धीरूभाई नारियल वाले। जागो धीरूभाई प्रभु, प्रभु आप मुझे बचाने के लिए आए हैं, मेरी मदद करने आए हैं ना? लगता है मेरा लेटर आप तक पहुंच गया है। लगता है सबने मेरा लेटर पढ़ लिया है। लेटर नहीं, अपने मौत की आमंत्रण पत्रिका भेजी थी मैंने। मुझे लगा स्वामी अकेले आएंगे पर मेरी अर्थी उठाने के लिए पूरी टीम लेकर आई। क्यों रे, तुझे एक रात में अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है? ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोले जा रहा था। मेरे दोस्त ने बड़ा चढ़ाकर लिख दिया। प्लीज वो दिल पे मत लीजिए, मेरे मुंह से बस ऐसे निकल गया, मेरा मतलब वैसा नहीं था। आपकी पूरी टीम का यहाँ तक आने का गाड़ी भाड़ा वेस्ट हो जाएगा। सिंपल जोक भी नहीं समझते। हे दुष्ट मानव, तेरे कारण हमारा समय नष्ट हुआ है। चल अब तू खुद को मार, हम नहीं मारेंगे तुझे। ये कैसा दंड है? पापा, दादा, नाना। बस इतना है? सारे भगवान गायब हो गए, टकला टूट गया, बेकार में खुद को इतना मार रहा। सामने कोई नहीं था फिर भी खुद को मार रहा था। इतना जोर से तो वो भी मुझे नहीं मारते। जिला अस्पताल के हर एक विभाग में जाना पड़ेगा। मम्मी मर ही गया, बचा। कांता स्वामी मूल रूप से वेदारंगन का रहने वाला है सर। उसकी स्कूल लाइफ के बारे में इंक्वायरी करने पर बहुत सारी बातें पता चली हैं। ये सब करने में कांता स्वामी के स्कूल फ्रेंड्स का भी हाथ है। उसके सारे स्कूल फ्रेंड्स आज तक उसके साथ है? जी सर, कुल मिलाकर उसकी 11 लोगों की टीम है। मुझे मेरे पापा से बचाने के लिए थैंक्स। ये बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तुम चाहे मुझसे कितना भी लड़ लो,
मैं जानती हूँ यू लव मी अ लॉट, और ये रहा उसका प्रूफ। तुम्हें पता ही नहीं चला कि ये तुम्हारे हाथ से कब निकला? लव लेटर जो बांध दिया था वही तुम्हारी बीवी होगी। मुझे लॉन्ग ड्राइव पर कॉफी के लिए ले जाओगे? सुरेंद्र सीबीआई में एसपी है, रामचंद्र इंस्पेक्टर है, इसका नाम गणेश है, आईबी में एसपी है, पुलके नारकोटिक्स में एसी है, प्रभु सेंट्रल एक्साइज, शिवम इनकम टैक्स और रामकुमार कस्टम्स में है। ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ से मनी और ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जानते हो कॉफी आज ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है? जरा गेस करो। क्योंकि आज ज्यादा ही हॉट जो है वो इसलिए क्योंकि इसमें शुगर और दूध के साथ थोड़ा सा प्यार भी मिला हुआ है। Really? इन सब के एक होने के पीछे एक ही खास वजह है, ड्रामा के लिए इनका पैशन, जो स्कूल से शुरू होकर कॉलेज लाइफ तक जारी रहा। और इन सब लोगों का फेवरेट प्ले महाभारत है। अभी तक जितने भी प्लेज किए उनमें द्रौपदी का रोल कांता स्वामी ही करता रहा है सर। शायद कांता को अलग अलग कैरेक्टर से काफी प्रेम रहा है। नाटक की तैयारी की सारी जिम्मेदारी ये लोग आपस में बांट लेते थे। ये सब ऑफिसर्स बन चुके हैं लेकिन अभी तक बचपन की आदत नहीं गई, इसीलिए नाटक करके लोगों को लूटते हैं। अगर मैं थर्ड रो वाले लड़के का नाम लूं तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, ये ऑफिसर मारुति है। अपना मारुति? जी सर। एक और मेंबर भी है, मुरली, नई किरण का सब एडिटर। नई किरण, इन लोगों ने एक टीम बनाई, इसका कोई वैलिड प्रूफ है? हमने पूरी कोशिश की है सर, पर अभी तक एविडेंस नहीं जुटा पाए। ठीक है, सबूत मिलने तक इन्हें फॉलो करते रहो। ओके। क्या हुआ? Well, कौन? तेरा शुभचिंतक राजमोहन, तेरी आंखों में डर देख रहा हूं मैं। एक मिनट बॉम्ब लेट फटता तो तेरे चीथड़े उड़ जाते। तुझे वार्न कर रहा हूं, मेरे मामले में टांग मत अड़ा। अभी तो सिर्फ तूने मौत का ट्रेलर देखा है, जा दूसरा जन्म दिया तुझे, चल जा मजे ले। मेरे पापा का काम था? नहीं, इस देश का कलंक। कौन है ये? फिल्मों में डांस करती है। सिर्फ फिल्मों में करती है? बुला, मेरे सामने भी करेगी। कमाल की डांसर है, जितने भी पैसे मांगेगी दे देना। सारे पुराने रिकॉर्ड्स मिले हैं, कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा स्वामी, अब क्या करेंगे? सर, कांता स्वामी के खिलाफ पुख्ता वीडियो एविडेंस लाया हूं, जरा इसे देख लीजिए। इसमें कांता स्वामी ने खुद अपना कच्चा चिट्ठा खोला है। ये वो वीडियो नहीं है। ये आपको कांता स्वामी दिखाई दे रहा है? नहीं, लेकिन वो आपके पास इसकी कोई और कॉपी है क्या? यही तो एक कॉपी थी। मुझे जान से मारेगा, अब तो शहर छोड़कर भागना पड़ेगा। हमने भगवान को धोखा दिया, रक्षा करो भगवान, क्षमा करो कांता स्वामी। अब तक सर 300 फैमिलीज को हेल्प मिल चुकी है। जिस दिन 3,00,000 परिवारों को फायदा मिलेगा, मेरा सपना काफी हद तक पूरा हो चुका होगा। पब्लिक को आज तक जितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसका पूरा रिकॉर्ड इसमें है। इस चेहरे को पहचानते हो? उस फॉरेनर के दिए डिस्क्रिप्शन से यह स्केच तैयार किया है। उसे पैसे इसी शक्ल के आदमी ने दिए थे और इसकी शक्ल सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर से मिलती है।
सर मैं नहीं जानता। इसे तो पहचानते हो गए। मारुति मेरा क्लोज एसोसिएट। हाँ। अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मेरा हंसता हुआ चेहरा देखते रहोगे। अपना फोन लो और जो मैं कहूं अपने दोस्त से बिल्कुल वही कहना। सर वो अपने रूट पर जा रहा है। उसके अड्डे तक पहुंचने से पहले कोई एक्शन मत लेना। मैं उसे देख पा रहा हूं सर। वहां पहुंचते ही अरेस्ट कर लो। और हां मुझे सारे सबूत चाहिए। सब्र कीजिए मैं आपसे बाद में बात करता हूं। सर हमें यहां तकरीबन 20 लाख मिले हैं। हाँ दिस इज अवर लास्ट चांस। हम हमेशा अपनी रेड लोकेशन सीक्रेट रखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम टारगेट का नाम उसका लोकेशन यहां डिस्क्लोज होगा। करेक्ट। There will be 40 teams. उसके 15 offices, 12 factories और घर सब जगह एक साथ रेड करें। Are we ready? Yes, sir! जैसा मैंने पहले बताया था यह काम भगवान का नहीं एक इंसान का है। उस इंसान का नाम क्या है सर? हम में से ही या आप में से ही एक है। सरकारी आदेश का वेट कर रहा हूं। We are quite close. पकड़ देंगे। एक फुट से रह गया वरना तेरा भेजा प्लेट में होता। आज तुझे जीवन दान दिया। चल फोट। जब तक खामोश रहेगा तेरी सांसें चलती रहेंगी। ए, पागल हो गया क्या तू? ए, क्या कर रहा है? उस दिन मुझे ना मारने का तुझे हमेशा अफसोस रहेगा। गुड इवनिंग सर। ए, रुक जा मेरी बात सुन। कभी सोचा नहीं था कि आपसे पूछताछ करूंगा। जानता हूं मुझे अरेस्ट करने आए हो। एक मिनट रुको, पहले अपना रेजिग्नेशन दिल्ली भेज दूं। यहां तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। थैंक यू। ये कंफर्म था कि बिना आपके सपोर्ट के वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता था। ऐसा क्यों किया आपने? पिछले 40 सालों से सीबीआई में रहकर मैं कोई अच्छा काम नहीं कर पाया। बैंक फ्रॉड, स्टैम्प पेपर फ्रॉड, स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉड, फॉरेन करेंसी फ्रॉड, लिस्ट इज एंडलेस। कुछ ऑफिसर्स को लाखों रुपया देकर ये करोड़ों अरबों रुपए का केस दबा देते हैं और सीबीआई हेड होकर भी मैं कुछ नहीं कर सका।
बहुत सारे केस रजिस्टर हुए, पर अभी तक वो सारे केस चल ही रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नाम पर चलने वाले ड्रग डीलिंग के केसेस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। सालों से ये केसेस बस चल ही रहे हैं। आज पूरे देश में सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंसेस की ही रिकवरी करें तो 20,000 करोड़ मिल सकते हैं। ये रहे इसके इलीगल प्रॉपर्टीज और ब्लैक मनी के डॉक्यूमेंट्स, चिटफंड घोटाला, लोन घोटाला, जमीन घोटाला, ये सब करने वाले बड़े लोग कहलाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में इंडिया का 6.5 लाख करोड़ जमा है। पूरी दुनिया में जितनी गरीब आबादी है उसका 30% इंडिया में, अमीरी गरीबी की खाई यहाँ सबसे ज्यादा है। ये शर्मनाक बात है। सिर्फ 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे नहीं मान सकते, असली आजादी तो हमें तब मिलेगी जिस दिन ऐसे लोगों को ब्लैक मनी इंडिया वापस लाने के लिए मजबूर कर पाएंगे। तब हम आजाद होंगे। जब वो दिन आएगा तो सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे, यहाँ के एक एक गरीब परिवार को 15-15 लाख रुपए दे पाएंगे। और जब तक ऐसा नहीं कर पाते, मैं ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप सब लोग शांत हो जाइए। आप शायद नहीं जानते ये मंदिर वाले कांता स्वामी हैं। आप हमारे भगवान को नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। मैंने गरीबों का पैसा गरीबों को लौटा दिया, इसीलिए वो मुझे भगवान मानते हैं। अगर अमीर ये कर लेता तो वो भी भगवान बन जाता। उन्हें यही एहसास दिलाना चाहता था मैं। मैं कांता स्वामी बना ताकि उनका विश्वास हासिल कर सकूं। कांता स्वामी ने मेरे पति को पुलिस से छुड़वाने के लिए 60,000 रुपए दिए, पर इन्होंने नहीं दिए, मेरे भगवान कांता स्वामी ने दिए। मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। मेरी मदद तो कांता स्वामी ने की थी। ये कांता स्वामी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने भगवान कांता स्वामी को जानती हूँ। ये कांता स्वामी नहीं है। ये मेरे कांता स्वामी नहीं है। पता नहीं ये कौन है। ये कांता स्वामी नहीं है। क्या एक भी विक्टिम ने इनके खिलाफ गवाही दी है? ना ही किसी ने कंप्लेंट लिखवाई, ना ही कोई विटनेस मिला और ना ही कोई सबूत है योर ऑनर। ये सच है कि पैसे लिए गए और गरीबों में बांटे गए। ये वो ब्लैक मनी है जो रेड में जब्त की गई और गरीबों में बांटी गई। एक जिम्मेदार सीबीआई ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि रेड करने के बाद पैसे सीज करके उसे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाए, लेकिन इस केस में उन पैसों को डिपॉजिट ना करवा के सीधे जरूरतमंदों में बांट दिया गया। गवाह और सबूत ना होने की वजह से आईपीएस कांता स्वामी पर कोई आरोप साबित नहीं होता। हालात को मद्देनजर रखते हुए इन्हें शहर में पोस्टेड नहीं रखा जा सकता। कोर्ट आदेश देता है कि इनकी पोस्टिंग किसी और शहर में की जाए। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए 14 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हे प्रभु, स्कूल खोलने के लिए आर्थिक मदद दिलवाएं।